समय के साथ मजबूत रहना सीख लो। मेरे साथ कभी भी कोई घटना हो जाए तो ये नहीं कि मैं गया तो लड़ाई बंद, लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अंग्रेजों का ये जो दुश्मनी नहीं है कि भाई नत्था सिंह से या जत्था सिंह सीओ से या सीआरपीएफ के या बीएसएफ के आईजी से या हमारे किसी जनरल से मेरी दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ जवानों के लिए लड़ता हूँ, उनके पॉइंट उठाता हूँ और उस वजह से मैं आज आपका टारगेट हूँ। इसमें मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, मैंने आज तक इस चैनल के माध्यम से कब। जवान ने मुझे फोन किया कि सर बहुत अच्छा है, जो भी हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट था वो खत्म हो गया। सीओ साहब ने हालांकि एक बात जरूर कही है, सीओ की मैम साहब ने भी कहा है कि इस बीच में जो मिसगाइड हुआ है उसका कारण कुछ नीचे कुछ एक अफसर भी थे और कुछ जेसीओ, मतलब हमारे तो जो बोलते हैं जेसीओ और क्या बोलते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र भोजी, आज सबसे पहले मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ खास पॉइंट बताना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि अब ये लड़ाई आर पार की है। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा नहीं देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपका नंबर नहीं पता, तो मैं शुरू में ही सबसे पहले मेरा नंबर देता हूँ, ये मेरा नंबर है। एक चीज और यहाँ बता देता हूँ कि अब हमारे इस चैनल को भी ये कोशिश कर रहे हैं बंद करवाने की, यानी जो ये चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ के नाम से, जिसमें सिर्फ हम जवानों, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स के हों या पुलिस बल के जवान, सब जवानों के जो आप पॉइंट उठा रहे थे, आज ये अधिकारी इस चैनल को, यानी मेरे सोशल अकाउंट ये चैनल हो या चाहे ट्विटर अकाउंट हो मेरा रविंद्र फौजी के नाम से ये अकाउंट, और चाहिए मेरा फेसबुक अकाउंट है, यानी सभी को ये कोशिश कर रहे हैं बंद करवाने के लिए। अब ये नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं हमें दबाने के लिए, इसीलिए सबसे पहला काम मैंने किया है जो ये आप देख सकते हैं रविंद्र फौजी, पहले इंग्लिश में लिखा है फिर रविंद्र फौजी हिंदी में लिखा है, एक नया चैनल मैंने आज बना लिया है। और अगर आप लोग चाहते हो कि हो सकता है मेरा ये चैनल बंद हो जाए और मुझसे जुड़ना चाहते हो कि आगे भी हम कंटिन्यू जुड़े रहे, तो जितना हो सके अभी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसमें मैंने मेरा अभी सिर्फ एक वीडियो डाला है छोटा सा, उसमें भी मैंने बता दिए जो भी बात है। तो कोशिश करें आप खुद भी उस चैनल से जुड़ेंगे, और जिस तरह के से आप सबने मदद करके इस चैनल को 455,000 तक पहुंचाया है, उसी तरह कोशिश करके इतनी फास्ट तरीके से वो चैनल भी हमारा बड़ा होना चाहिए अगर ये बंद होता है तो, यानी आप लोग उससे भी जुड़े। और इन भ्रष्ट अधिकारियों के, मैं एक चीज यहाँ और बता देता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि भाई रविंद्र फौजी एक मतलब ये रोल कॉलों में हमारी पूरी यूनिटों में मेरे नाम से लेटर सर्कुलेट कर रहे हैं कि भाई ये प्रोपोगंडा करता है, फौज के खिलाफ बोलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने मेरे इस चैनल में कभी भी फौज के खिलाफ नहीं बोला है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरी तीन पीढ़ियां, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मैं, हम फौज का ही खा रहे हैं, और हो सकता है मेरी आगे आने वाली पीढ़ी भी फौज में जाए, इसलिए मैंने कभी भी फौज की बुराई नहीं की। हम बुराई करते हैं इस फौज में फैले इस भ्रष्ट सिस्टम की, जो भ्रष्टाचारी फौज का मिलने वाला, जवानों को मिलने वाला राशन जो अपनी जेब में डाल रहे हैं, जो अंग्रेजों का रूल चलाकर जवानों से, जैसे पहले अंग्रेज अफसर होते थे और वो जवान भारतीय होते थे तो वो जवानों को गुलाम समझते थे और वो गुलामों का काम करवाते थे, गुलामों की तरह अपने घरों में झाड़ू पोछा बर्तन बूट पॉलिश, और इसी तरह का काम आज भी कुछ एक कद्दार लोग करवा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सभी अफसर खराब है, लेकिन हैं बहुत से अफसर खराब है, अपने निजी फायदे के लिए जवानों को आज भी नौकर की तरह यूज करते हैं। तो मैं फौज के नहीं, इन अफसरों के खिलाफ हूं, इन भ्रष्ट अफसरों को। एक पॉइंट यहाँ आता है कि ये कहते हैं कि जी आप अगर ऐसे बोलोगे उससे नौजवान फौज में कैसे जाएंगे, आप नौजवानों को भी भड़का रहे हो, फौज को भी भड़का रहे हो। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ, आप ये देखिए आरटीएफ राष्ट्रीय तिरंगा फोर्स डिफेंस एकेडमी, मैं खुद इसको चला रहा हूँ, मतलब मैं बीच बीच में जाकर इन लोगों को मोटिवेट करता हूँ, और मेरे यहीं राजस्थान जयपुर तहसील कोटपुतली और मेरा खुद का गांव राजनोता कैरोड़ी के अंदर ये आरटीएफ के नाम से डिफेंस एकेडमी चल रही है, जिसमें मैं खुद आर्मी एयरफोर्स नेवी पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स यानी किसी भी बेल्ट फोर्स में जाने के लिए जवानों को प्रेरित करता हूं। जो लोग कहते हैं ना ये देख लो, ये है
हालांकि मुझे बहुत कम समय मिलता है, मैं जरूरत पड़ती है जब ही जाता हूँ। और इसके नए बैच हम इसी 15 अक्टूबर से या 1 अक्टूबर से या 15 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि मैं भड़काता हूँ, आप कभी भी आकर चेक कर सकते हो। मैं हमेशा जवानों को ये कहता हूँ कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्स या स्टेट पुलिस बहुत अच्छी नौकरी है वर्दी पैर के, लेकिन मैं जवानों को मोटिवेट यही करता हूँ कि जो वर्दी का वर्क है वही वर्दी का वर्क करो और आप ड्यूटी में जाओ। बहुत से जवान कहते भी हैं कि सर आपके वीडियो देखकर हमारे दिलों में कुछ होती है, तो मैं उनसे छाती ठोक कर यही कहता हूँ कि मैं इस चीज़ के सुधार के लिए लगा हूँ और मेरा पूरा जीवन इसी सुधार में जाएगा। बहुत से अफसर सुधरे भी हैं, इस चीज़ की भी हमें खुशी है कि बहुत से अफसर खुशे भी हैं। जैसे कल ही आपने देखा होगा, एक मैंने CRPF का वीडियो डाला था और उस CRPF के वीडियो को वायरल होते ही देखो कितना, मतलब मैंने वायरल किया वो वीडियो, जो CO साहब हैं उनकी मैडम के पास गया, उन मैडम ने देखा, मेरा नंबर लिया। और हालांकि एक दिन दोनों ने फोन किया तो उल्टा सीधा कहा कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, ये है वो है। मैंने उनको बड़े प्यार से समझाया और उनको कहा कि मैडम आप एक बार इसको ठंडे दिमाग से सोचना, आप बता रहे हो कि जवान की गलती, अरे जवान अगर डिप्रेशन में है तो वह तो ऑटोमेटिक गलती करेगा। और फिर आपका ओहदा, आप बोलते हो हम पढ़ लिख के आए हैं, बड़े लोग हैं, तो आप तो एक जब बड़े लोग हो, बड़े लेवल में हो, तो फिर आप और उसकी सोच में थोड़ा अंतर जरूर होगा। और उससे अगर जवान से गलती हो रही है उसके पीछे आप उसको और दबा रहे हो तो फिर आपका अफसर बनने का वो नहीं है। फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने CO साहब को भी बताया और उस मामले को कल उन्होंने कहा कि ठीक है आप वीडियो हटाएं और हम उस जवान पर जो भी चीज़ें अब तक हुई है उसके लिए जवान से, उन्होंने जवान से सॉरी मांगी है, जवान ने भी अफसर साहब से सॉरी मांगी है और उनका कल फैसला हो गया। जवान ने मुझे फ़ोन किया कि सर बहुत अच्छा है, जो भी हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट था वो ख़त्म हो गया। CO साहब ने हालांकि एक बात जरूर कही है, CO की मैम साहब ने भी कहा है कि इस बीच में जो मिसगाइड हुआ है उसका कारण कुछ नीचे कुछ एक अफसर भी थे और कुछ JCO, मतलब हमारे तो जो बोलते हैं JCO और क्या बोलते हैं बीच में हमारे जैसे NCO होता है, लेकिन वहाँ जैसे जो CRPF के रैंक हैं जो DGI मतलब उससे नीचे के, चाहे उनको आप सब इंस्पेक्टर बोल देते हैं या उनको NCO, तो उनके भी वही हेड कांस्टेबल वगैरह होते हैं, तो कुछ ऐसे चमचे हर डिपार्टमेंट में मिलते हैं और उन चमचों ने उस जवान का मिसगाइड किया था CO साहब को। और हालांकि मैंने CO साहब को ये भी कहा कि आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि किसी दूसरे के कहने से आप जवान के साथ ऐसा करो, आप खुद जब किसी जवान की रिपोर्ट आ रही है आप एक मतलब दो दिन चार दिन या कैसे भी समय निकाल कर खुद चेक करो कि वास्तव में जवान गलत है। जवान कभी गलत नहीं होता। जो मैं एक चीज यहाँ जरूर कहता हूँ, जो तैरता है वही डूबता है, जो लड़ाई में जंग में जाएगा वही विजय होता है और वही वीरगति पाता है। यानी जो काम करेगा तो उससे गलतियां होना निश्चित है। अरे भगवान तो है नहीं कोई भी गलती, और कई समय ऐसा भी हुआ है कि भगवान से भी गलतियां हुई हैं, तो जो वर्क करेगा उससे हो सकता है गलती भी हो सकती है। और सबसे ज्यादा वर्कलोड है जवान के ऊपर। इनकी मैडम ने बहुत से मेरे मतलब काफी देर मेरी बात हुई, लेकिन मैं आज उनको सलूट करता हूँ कि उन्होंने इस मसले को सुलझाने के अंदर आगे आए। और मतलब साहब को भी उन्होंने कहा कि वास्तव में आप जवान को भी देखो, हम तो कल चले जाएंगे, ये जवान बेचारा इन चीज़ों में फंसेगा। तो मैं आज उन मैडम को भी सलूट करता हूँ और CO साहब को, उनके बहुत और बंदों से भी मैंने सुना कि साहब के बहुत और भी बहुत अच्छे काम हैं। और उनके पिताजी एक सब इंस्पेक्टर यानी हमारी ORS रैंक के थे, मैडम के पिताजी भी ORS रैंक के थे, इन्होंने इसलिए ORS रैंक से इनको भी सहानुभूति है। और बहुत से पॉइंट हैं उनकी बात जो हुई है, हालांकि मेरे पास मैं वो कह भी रही थी कि भाई आप इनको रिकॉर्डिंग को, तो मैं ऐसे किसी भी रिकॉर्डिंग को वायरल नहीं करता जब तक जिसकी अनुमति ना हो। और एक बार फिर मैं उनको सलूट करता हूँ। और बाकी भी मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे अफसर साहिबाना को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी मैं, मेरा कभी ये रोल नहीं होता कि मैं फोर्स को बदनाम करूँ या इंडिविजुअल, मेरी किसी CO से दुश्मनी नहीं है कि भाई नत्था सिंह से या जत्था सिंह CO से या CRPF के या BSF के IG से या हमारे किसी जनरल से मेरी दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ जवानों के लिए लड़ता हूँ, उनके पॉइंट उठाता हूँ और उस वजह से मैं आज आपका टारगेट हूँ। इसमें मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। मैंने आज तक इस चैनल के माध्यम से कभी भी कोई मेरा ना तो पर्सनल पॉइंट उठाया है ना अपने वेलफेयर का कुछ उठाया है। मैं सिर्फ और सिर्फ जवानों के पॉइंट उठाता हूँ जिससे मैं आपका टारगेट बन चुका हूँ। और मैंने एक बार यहाँ कहा था, कल परसों ट्विटर के माध्यम से भी कुछ अफसर ब्रिगेडियर लेवल के भी थे, कर्नल भी थे और भी थे, उनसे हमारी बहस भी चल रही थी, तो
तो उनको मैंने एक ही चीज कहा था कि आप लोगों में यही कमी है कि कोई बोलता है तो उस पर आर्मी एक्ट लगाकर उसको दबाने की कोशिश करते हो, उसको फंसाने की कोशिश करते हो, ये नहीं देखते कि बंदा जिस समस्या को कह रहा है उस समस्या का हम कुछ हल करें। उसे एक अच्छे अफसर हैं जिन्होंने पॉइंट भी दिया था, उनको भी मैं उस दिन भी सलूट करता हूँ, आज फिर सलूट करता हूँ कि अच्छे अफसर हैं। यहाँ तक कि कुछ एक हमारे खुद के सीओ जो इसमें एक मीटिंग हुई थी जिसमें मेरा मतलब ब्रिगेडियर लेवल के मेजर जनरल लेवल के लोग बैठ के रविंद्र फौजी को कैसे दबाया जाए इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, वहाँ एक हमारे सीओ साहब थे जिन्होंने खुद मेरे को सारी चीजें बताई, अवगत भी कराया, लेकिन वो मजबूर है। लेकिन वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि वास्तव में सेना में बदलाव की जरूरत है। और इस वीडियो के माध्यम से फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी दुश्मनी नहीं, हम सेना को कमजोर नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि सेना मजबूत हो। आप कहते हो कि हम भड़का रहे हैं, आप कह रहे हो कि सेना में म्यूनिटी हो जाएगी, नहीं होगी। अगर जिस रफ्तार से आप चल रहे हो और ये भेदभाव की खाई बढ़ती जा रही है ना, तो हो सकता है कि भविष्य में बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि उस मुसीबत को जो समय के साथ बदलाव है उनको करें। श्रीमान जी, आज मुझे दबाने से या मेरे इन अकाउंटों को बंद करने से कुछ नहीं होगा, इससे जुड़े हुए 4,55,000 लोग में हो सकता है चंद एक लोग छोड़ दो, लेकिन हमने बहुत से रविंद्र फौजी तैयार कर दिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने चैनल बनाए, नए नए ट्विटर पर भी जुड़े, ताकि आज पढ़ा लिखा होने का फायदा उठा सकें और अपनी आवाज़ को ऊपर तक बुलंद कर सकें। मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरा कुछ भी हो जाए, मैं भी कोई अमर नहीं, हो सकता है मेरी मृत्यु आ जाए या मेरे को कहीं भी फंसा दें, तो ये लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए आज इस वीडियो का मकसद यही था। रहे जो देश का मामला चल रहा है उसके लिए हम जल्दी ही, मैं एक अलग से वीडियो भी लॉन्च कर रहा हूँ। हमने पूरे केस को, उसकी जो भी डिटेल है, उनके परिवार से मिलकर केस की भी वकीलों से जो भी बात होनी है हो चुकी है। आगे का जो भी मैटर होगा वो आपको मैं बताता रहूँगा, अभी वो बंदा मिला नहीं है। हम चाहते हैं कि एक आर्मी में रूल होता है, मैं हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन इतना बता देता हूँ कि रूल के मुताबिक किसी, चाहे जवान से लेकर जनरल तक, अगर कोई किसी पर हाथ उठाता है तो उसका वो कोर्ट मार्शल का हकदार है। तो हकदार है तो यहाँ सीओ के सामने जिन बंदों ने औरों ने मारा है, चाहे वो टीओएसजी हो, चाहे वो मेजर रविंदर है या एडजुटेंट है, और वो आरपी औलदार और आरपी जेसीओ या नायक जितने भी बंदे हैं, उन पे कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया बैठाई जाए, उनका कोर्ट मार्शल हो, न्याय करें। ये नहीं है कि जवानों ने किया तो तुरंत कर दो और अफसर है तो उसको बचाने लग जाओ, नहीं, बचाना है तो सबको बचाओ। हम नहीं चाहते किसी की भी नौकरी खराब हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बंदा सेफ हो और जो प्रॉपर उसके साथ गलत करने वालों को सजा, सख्त से सख्त सजा दी जाए, आइंदा ऐसा केस ना हो। आज वीडियो का जो ही मकसद था मैंने बता चुका हूँ, इसलिए दिमाग लगाकर जवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर मजबूत बनना चाहते हो तो सभी सोशल नेटवर्क अपने भी बढ़ाओ। मैं पता नहीं कब क्या हो जाए, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी आगे निकलो और एक एक दो दो ये चैनल जैसे भी बनाकर रखो। किसी भी तरह की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, अंग्रेजों का ये तानाशाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। आज पूरा देश बदल रहा है और हमारे साथ कभी मोबाइल पे रोक, कभी किसी पे रोक, क्यों, क्या हम इंसान नहीं है क्या? वो हालांकि मैंने जो अपनी पिटीशन है उसमें दाखिल कर दिया है और उस पिटीशन का भी जल्दी केस नंबर आ जाएगा, तो मैं जब तक ये चैनल चल रहा है इसमें बताता रहूंगा। अगर ये बंद कर दिया तो उस चैनल पर हम लड़ते रहेंगे। तो इसलिए मेरे इस व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट पर, सब पर जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।